नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। मेटा प्लेटफॉर्म के नए ऐप थ्रेड्स ने लॉन्च होते ही धूम मचा दी है। एक दिन में ही मेटा के नए ऐप थ्रेड्स को 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स ने साइन अप कर दिया है। मार्क जुकरबर्ग के इस नए ऐप को ट्विटर क्लोन भी कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स का फायदा लेकर नया थ्रेड्स ऐप ट्विटर को कड़ी टक्कर देगा। इस बात का अंदेशा शायद एलन मस्क को भी हो गया है। यही वजह है कि मस्क और जुकरबर्ग के बीच जंग शुरू हो गई है। ट्विटर और थ्रेड की टक्कर से पहले मेटा और ट्विटर आपस में टकरा गए हैं। ट्विटर ने मेटा प्लेटफॉर्म को एक लेटर लिखकर कोर्ट जाने की धमकी दी है। ट्विटर के वकील एलेक्स स्पायरो ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र भेजकर ट्विटर के उन पूर्व कर्मचारियों को भर्ती करने का आरोप लगाया है जिनके पास ट्विटर के ट्रेड सीक्रेट और दूसरा बेहद गोपनीय जानकारी का एक्सेस था। स्पायरो ने अपने पत्र में लिखा है कि ट्विटर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों को सख्ती से लागू करता है और हमारी मांग है कि मेटा तत्काल प्रभाव से ट्विटर के किसी भी ट्रेड सीक्रेट या बेहद गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल बंद करे। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने एक थ्रेड पोस्ट में इन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि थ्रेड्स के इंजीनियरिंग टीम में कोई भी पूर्व ट्विटर कर्मचारी शामिल नहीं है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिलहाल दो बड़ी सोशल साइट्स के बीच एक बड़ा विवाद जन्म ले चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का अंत कहां होता है। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।